के मशहूर सीरियल गुम है किसी के प्यार में आप देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सभी आपको रजत और उसकी बेटी की देखभाल करती हुई दिखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रजत आने वाला है नशे की हालत में पार्टी से घर, तो सभी को नींद नहीं आ रही होती है, उसे बार बार सही की चिंता हो रही होती है। जब सभी रजत को नशे की हालत में देखती है और या देखती है कि वह चल भी नहीं पा रहा है ढंग से, तो सभी रजत को उसके घर ले जाती है और वहीं पर फिर सभी को सही की खांसने की आवाज आ रही होती है। तो सभी सही के पास जाती है तो देखती है बगल में ममता तो बड़े आराम से सो रही है। तो सही जो जो से वहीं पर खांस रही होती है, उसे सांस भी नहीं ढंग से ली जा रही होती है और उसके घर में सभी लोग सोए होते हैं। तो सभी सही को गोद में उठाती है और फटाफट से हॉस्पिटल लेकर चली जाती है, जहां पर सही को तुरंत एडमिट कर लिया जाता है और सही की रिपोर्ट आती है, जहां पर यह कहा जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा ही डोज में दवा पिलाई गई थी। और यह सुनते ही सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर घर में ऐसा कौन काम किया है, किसने। फिर यही पर पुलिस केस भी हो जाता है और अब सवाल आने वाला है रजत पर कि रजत अपनी बेटी का भी ध्यान अच्छे से नहीं रख पाता है। अब रजत और उसकी पूरी फैमिली जाएंगे कोर्ट में, जहां पर कोर्ट फैसला लेने वाला है कि सही की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए। वहां पर सभी भी मौजूद होगी क्योंकि सभी के सामने यह सब हुआ और सभी यह बयान देने वाली है कि रजत एक अच्छा पिता नहीं है, वह अपनी बेटी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाता है। और देखते हैं सभी और रजत के बीच अब क्या नया बखेड़ा खड़े होने वाला है और सही की कस्टडी किसको मिलती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आने वाले चटपटे एपिसोड के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।